Hello friends, today I am going to tell you from unit 1 life cycles class 5. We will discuss today chapter 1 pollution. What is pollution? Pollution kya hai? Pollution kya hai? The contamination of air, water, soil by substances that are harmful to living organism. Pollution can occur naturally, for example through volcanic eruption or as a result of human activities such as the spilling of oil or disposal of industrial waste. Pollution yani प्रदूषण दोषक पदार्थों के प्रवेश के कारण नेचर में यानी प्रकृति में संतुलन में पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। ये किस किस चीज से अकर होता है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, इंडस्ट्री के वेस्ट से होता है, है ना? टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज air pollution, water pollution, sound pollution, soil or land pollution. We will discuss it one by one. Air pollution. The contamination of the atmosphere by toxic pollutants present at concentration above their natural level, which pose adverse effects on living things and the ecosystem in general. जब वातावरण में खतरनाक पदार्थों जैसे गैस कण जैविक कारणों की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, उस स्थिति को वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट इज वॉटर पॉल्यूशन. What is water pollution? Water pollution is the contamination of water bodies, usually as a result of human activities. Water bodies include, for example, lakes, rivers, oceans, aquifers and groundwaters. Water pollution results when contamination are introduced into the natural environment. हम सब के लिए पानी बहुत important है और गंभीर समस्या भी. जब जल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना जल प्रदूषण कहते हैं हम उसको, तब जल प्रदूषण होता है. जब ह्यूमन अपने बहुत सारे किए गए कचड़ों को, प्लास्टिक्स को, अनवांटेड चीजों को पानी में, रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में फेंक देता है, तब ये जल प्रदूषण कहलाता है. और इससे जल में यानी लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियन में रहने वाले जानवरों को भी काफी इफेक्ट होता है. कितने जानवर, कितने सी में रहने वाले, कितने भी जानवर मर जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन. नॉइज इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड. नॉइज अनवांटेड साउंड में डिफाइन किया जाता है. पॉल्यूशन इज एन एक्सेसिव एंड अनोइंग डिग्री ऑफ नॉइज इन अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक और एरोप्लेन इंजिन्स. साउंड पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण. ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं. इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाले शोर मुख्य कारण होते हैं, उसे हम साउंड पॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण. इफ
soil pollution, it may be defined as the contamination of soil by human and natural activities which can cause harmful effects on living beings. इंसानों के द्वारा उत्पन्न की गई जहरीली रसायन या कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसके मिलने से भूमि में बहुत खराब प्रभाव पड़ता है उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। किस तरह से होता है, जहरीली रसायन या कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से जब ये सारी चीजें भूमि में यानी सॉइल में मिल जाती हैं और सॉइल को खराब कर देती हैं, उसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। इफ सम वन थ्रोइंग गार्बेज इन लेक्स एंड रिवर, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? अगर कोई गार्बेज लेक्स में, कोई कचरा रिवर या लेक्स में फेंकता है, उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वॉटर पॉल्यूशन, उसे वॉटर पॉल्यूशन कहते हैं। बसेस, ट्रक्स, कार्स एंड अदर व्हीकल्स इमिट स्मोक एंड क्रिएट, क्या क्रिएट करता है जब बस, ट्रक, कार और बाकी कोई भी व्हीकल्स स्मोक फैलाता है, धुआं फैलाता है, तो उसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। पेट्रोलियम दैट स्पिल्स फ्रॉम सिंकिंग शिप इनटू रिवर्स एंड सीज इज कॉल्ड, पेट्रोलियम जो कि रिवर्स में जो शिप्स तैरते हैं उसके डूबने से जो पेट्रोल रिवर्स में फैलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वॉटर पॉल्यूशन। वेन यू बर्न लीव्स एंड लिटर इट, इट इज अ काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन। जब हम लोग लीव्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, उसका स्मोक जो पैदा होता है वो एयर में मिलकर एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इफ यू बर्न क्रैकर्स यू आर क्रिएटिंग, अगर आप लोग क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं तो आप क्या, पटाखे जला रहे हैं तो आप क्या कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं? आप लोग एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। When you play music, loud music, you are creating, जब आप लोग बहुत तेज तेज से गाना सुनते हैं तो क्या, कौन सा pollution create करते हैं? Noise pollution. Children, take a look, we will do quick revision. What is this? As you can see in the picture, this is air pollution. Industries creates air pollution. Lots of other things create air pollutions. As you can see in river, it is so many plastics are there. It is called water pollutions. You can see another example of water pollution. Land pollution. In this picture you can see people creating land pollution. If you hear in loud music, some this create noise pollution. So these are different kinds of pollution. Hope you have understood this chapter very well, kids. There are different kind of pollution: air pollution, water pollution, sound pollution, and soil pollution. We have discussed these different types of pollution of chapter 1, class 5. Please do like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you.